तो आज हमारे साथ है महिंद्रा ब्लेजो X42। ये गाड़ी सामने से दिखने में बिल्कुल टिपिकल ब्लेजो के जैसी है। टिपिकल ब्लेजो मतलब जो BS4 में आने वाला था और BS6 में जो गाड़ी आ रही है उसमें बहुत ही मिनिमल चेंजेस है। मिनिमल चेंजेस से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो स्पेयर पार्ट BS4 में यूज़ होते थे अभी वो BS6 में भी यूज़ हो सकते हैं। महिंद्रा ने क्लेम किया है इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो 90% तक जो है सिमिलर है BS4 के मुकाबले। ठीक है, अब ये गाड़ी जो है इसका सामने का जो लुक है बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। पर्सनली जो ग्रीन कलर है ना वो बहुत ज़्यादा उठ के लगता है और इसकी जो ग्रिल है वो बहुत ज़्यादा वाइट दी गई है महिंद्रा की तरफ से, और ये जो ग्रिल है ना बहुत अच्छी लगती है। और ये ओपनेबल जाली है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो इस ग्रिल को। और ठीक उसके नीचे में आपको मिलता है यहाँ पे बम्पर माउंटेड ग्रिल, ये भी बहुत अच्छी दी गई है। और ये जो है ये मेटल का बम्पर है और साथ ही साथ यहाँ पे आप चढ़ भी सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिप दी गई है। और ये जो ग्रिल है इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। इस जाली का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपका जो सर है वो नहीं लगेगा। दो आते हैं इसमें जनरली, ये जो स्टैंड्स है ये दो रॉड आती है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, एक अगर ख़राब हो गई तो दूसरी रहेंगी। अब इस गाड़ी में जो है वाइडर ग्रिल आती है, वाइडर ग्रिल होने का जो फ़ायदा है इसमें एरोडायनामिक्स जो है बहुत अच्छे हैं। कैसा है कि ये हवा जो है सीधा रेडिएटर को जाएंगी, इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया। ये हवा जो है रेडिएटर के बाद इंजन को भी लगनी चाहिए उस हिसाब से जो इसके एरोडायनामिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा खुली खुली जगह दी गई है और साथ ही साथ जो इसका डिस्टेंस जो है इंजन से लेकर रेडिएटर का वो भी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। अगर कभी गाड़ी का फ्रंटल इम्पैक्ट होता है इनकेस इन फ्यूचर एक्सीडेंट में तो रेडिएटर और वाटर बॉडी जो है वो डैमेज नहीं होंगी इसकी मेनली। और रेडिएटर के लिए यहाँ पे आपको एक कवर मिलता है, डस्ट कवर बोलते हैं इसको। जनरली होता क्या है ना, विस्कस फैन जब ऑपरेशन में आता है मतलब काम करना शुरू करता है तो वो जितनी भी हवा है वो नीचे फेंकता है, थोड़ी थोड़ी हवा, ठीक है, तो उस वजह से जो नीचे में धूल आती है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो यहाँ पे एक आपको कवर देखने को मिलेगा जिस वजह से जो है नीचे में धूल नहीं आएंगी। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इस गाड़ी में जो है फ्रंट में ही सारी चीज़ें का टॉपअप दिया गया है। सबसे पहले रेडिएटर का टॉपअप भी यहीं पे मिलेगा, क्लच बूस्टर का भी टॉपअप आपको यहीं पे मिलेगा, इंजन की जो डिपस्टिक है वो भी आपको यहीं पे मिलेंगी, और बहुत सारे जितने भी फ्लूड आपको टॉपअप कराने रहेंगे वॉशर फ्लूड और सारी की सारी चीज़ें आपको यही सामने में मिलेंगी। और इससे होता क्या है ना, सारी की सारी चीज़ें सामने देने की वजह से पीछे में आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। जनरली पीछे में बॉडी बन जाती है तो उस वजह से जो ड्राइवर को दिक्कत होती है या फिर मैकेनिक को भी दिक्कत होती है, लेकिन महिंद्रा ने सारी चीज़ें का रिसर्च किया है, सारी चीज़ें सोच के बनाई है इस गाड़ी में। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ कैबिन की। कैबिन में आपको दो सस्पेंशन सामने में, दो सस्पेंशन पीछे में, इससे जो है ड्राइवर का कंफर्ट बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ड्राइवर इस गाड़ी के साथ उतनी ज़्यादा लंबी गाड़ी चलाएगा ड्राइवर। इस वजह से जो इसका कैबिन डिज़ाइन किया गया है फुल्ली सस्पेंशन कैबिन है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, अंदर में एक भी झटका नहीं लगता है। ठीक उसके नीचे में आता है आपको लोअर बम्पर। लोअर बम्पर जो है सिंगल पीस यूनिट है और जो अपर बम्पर है वो थ्री पीस यूनिट है। थ्री पीस यूनिट मतलब ये इसका हेडलैम्प का लेआउट, और ये रहा इसका फ्रंट बम्पर, बीच का मिडल वाला, और ये रहा इसका एक और हेडलैम्प का लेआउट। ये जो हेडलैम्प है इसमें दो चैम्बर आते हैं, ड्यूअल चैम्बर हेडलैम्प है, ये लो बीम वाला और ये हाई बीम वाला, और यहीं पे आपको इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएगा। ये रहे इसकी 3M की टेप। वैसे ही इसके जस्ट ऊपर में आता है आपको ब्लेजो X42 की बैजिंग, और ये रहा इसका बढ़िया तरीके से जो है हैंडल शीशा साफ करने के लिए। सामने में जो ग्लास है वो लेमिनेटेड ग्लास है, ग्रीन टिंट के साथ आता है। ये रहा इसका महिंद्रा की बैजिंग और ये रहा इसका महिंद्रा का लोगो। और ठीक उसके ऊपर में आता है आपको अप्रॉक्सिमिटी मिरर जो कि बहुत ज़्यादा वाइड है और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिया है, वो बहुत उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ठीक उसके जस्ट बाजू में आपको हाई माउंट लैंप मिल जाएगा जो कि नाइट के टाइम में आपकी गाड़ी की हाइट कितनी है वो दिख जाएंगी दूर से ही। अब महिंद्रा ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क किया है, इस वजह से जो इसको हाई माउंट जो लाइट है वो सामने में दिया गया। जनरली जो है वो लोग गाड़ी के ऊपर दे देते, उस वजह से जो है कि वो कभी अगर उन्होंने कैरियर बनाना चाहा तो उसको तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है लाइट को, लेकिन इसमें आपको वो करना नहीं पड़ेगा, ये आपको सामने में ही दिया गया है। और इस गाड़ी में आता है आपको वाइपर के साथ साथ वॉशर फ्लूइड का भी कंफर्ट। इससे क्या होता है आपकी गाड़ी के विंडस्क्रीन में अगर कभी धूल जम जाती है तो आपको बस वो वॉशर फ्लूइड को इनेबल करना है, पानी भी आएगा, वाइपर भी चालू हो जाएगा और साथ ही साथ वो पूरी विंडस्क्रीन को साफ भी कर देगा। अब मैं इसकी साइड लुक की बात कर लूँ तो इसका जो ब्लेजो का कैबिन है जो BS4 में आता था उसके मुकाबले इसमें थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस किए गए। सबसे पहला जो चेंजेस आप देखोगे वो है BS6 बैजिंग का और M पावर फ्यूल स्मार्ट, ये जो है ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मैं उसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ।
और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको एक टेप मिल जाएगी, येलो वाली टेप। ये रहा इसका इंडिकेटर का प्लेसमेंट। इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है। जनरली जो छोटी गाड़ी जो टू व्हीलर वाले उनको दिख जाएगा कि गाड़ी टर्न ले रही है या नहीं ले रही है। और ये रहा इसका फुट रेस्ट, ये फिक्स फुट रेस्ट है, एक दो और फिर सीधा कैबिन के अंदर। कैबिन खोलने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत बढ़िया लगता है, पकड़ने में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और साथ ही साथ जो ये जाड़ा भी है, मतलब थोड़ा सा इसका थिकनेस बहुत अच्छा है। और फिर अभी मैं कैबिन के अंदर की बात कर लूँ तो ये पूरा कार लाइक फीचर है, ऐसा लगता है कि हम कोई कार में बैठ रहे हैं, बट एक्चुअल में एक ट्रक है। और चढ़ने के लिए आपको दो फुट स्टेप मिलते हैं बड़े बड़े, और साथ ही साथ लोहे के, और ग्रिप वाले भी है, बहुत अच्छी ग्रिप है, कीचड़ वगैरह फंस जाएंगी तो भी दिक्कत नहीं आएंगी, ग्रिप लेवल अच्छा है। और यही पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। जनरली कैसा रहता है, टू व्हीलर वालों को दिखता नहीं है कि गाड़ी टर्न कौन सा लेने वाली है। अगर वो टू व्हीलर वाला यहाँ पे रहेगा और यही से इंडिकेटर जल जाएगा तो उसको दिख जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी राइट या फिर लेफ्ट टर्न लेने वाली है। इस वजह से जो ये एक सेफ्टी फीचर है इंडिकेटर टू व्हीलर वालों के लिए, महिंद्रा ने इसका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। जेके के तरफ से आने वाला टायर 295/90R20 का टायर दिया गया इस गाड़ी में, बहुत अच्छा टायर है, रेडियल टायर है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको प्राइमिंग वाला पंप मिल जाता है, 13 नंबर का बोल्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी एयर निकलेंगी। और ये रही इसकी फिल्टर की कार्टिज, ये जो है मॉइस्चर सेपरेटर वाला जो है UFI का फिल्टर है। और साथ ही साथ जो है गाड़ी के सामने में आपको पैराबोलिक लिप स्क्रीन के साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। और अभी ये जो आप देख रहे हो ये है इसका आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट वाला पाइप। जनरली जो है एग्जॉस्ट पाइप जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है जब गाड़ी चालू हो जाती है, तो उसके सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे आपको दो रॉड मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किए गए हैं महिंद्रा की तरफ से। इसमें आपको बहुत बढ़िया इंसुलेशन दिया है। जनरली क्या होता है एग्जॉस्ट गैस जो है अगर वो ठंडी हो जाएंगी तो उसका जो SCR टेक्नोलॉजी और ये सारे जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है ये सारे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने इंसुलेशन ऐसा दिया है कि जो इससे लग के जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब कि लिप स्प्रिंग के जो है ग्रीजिंग या जो बाकी के रबर बोल्ट्स वगैरह, वो ज़्यादा हीट जो है उनको लगेंगी नहीं। और साथ ही साथ जो अंदर की जो गैसेस है वो बरोबर अपने टेम्परेचर मेंटेन करेंगी। और ठीक यही पे आपको मिल जाता है कैबिन टिल्ट करने का मैकेनिज्म। इसको ऊपर करने से आप इसका कैबिन टिल्ट वाला जो मैकेनिज्म है उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे टॉमी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको नीचे करने से अगर आप इस टॉमी में लगा के इसको ऊपर नीचे करते हो तो इसका जो कैबिन टिल्ट वाला मैकेनिज्म है वो नीचे आ जाएगा। और मुझे अब तक का सबसे बढ़िया चीज़ जो लगा है वो है आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट। ये जो है आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट सामने के टायर से लेके तो पीछे का जो टायर है वो वहाँ तक बिल्कुल ऐसा लाइन में है, मतलब जो बाहर नहीं निकला है एक्स्ट्रा का पोर्शन। नहीं तो जनरली क्या है बाकी गाड़ियों में बाहर निकला हुआ रहता है जिस वजह से जो इनको थोड़ी सी दिक्कत जाती है। मैं आपको इस गाड़ी का कैबिन टिल्ट करके दिखाता हूँ और आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे इसका कैबिन सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसे तो देखने में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जब हमने टिल्ट किया इसको तो ये रहा इसका स्लीपर बर्थ के लिए जगह और ये रहा इसकी कैबिन के लिए जगह। कैबिन मतलब गाड़ी चलाने के लिए जितनी जगह मिलती है वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा स्पेशियस कैबिन बनाया है महिंद्रा ने, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं दिखा रहा हूँ इसका एम पावर का 7.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 280 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बहुत ज़्यादा टॉर्क है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है 7.2 लीटर का डीजल इंजन। और इसमें जो अल्टरनेटर आता है वो है 100 एम्पियर का, बहुत अच्छा अल्टरनेटर है। और साथ ही साथ जो है ईवी फैन आता है इसमें, ईवी फैन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन। ये कैसा रहता है इंजन के पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंजन का पावर कंज्यूम नहीं करता, ये सीधा जो है इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पावर लॉस नहीं होता इस गाड़ी में फैन की वजह से। एंड सेकंड थिंग, इस गाड़ी की जो ये है वायरिंग हार्नेस, ये सारी की सारी वायरिंग हार्नेस जो है इन्होंने बहुत अच्छी नीटली काम किया गया है। कलर कलर पे जगह जगह पे कलर कलर हाउसिंग दी गई, कलर कलर की टेप मारी गई है और यहाँ पे आपको लिखा भी गया है इंजन टू FRT और इंजन टू WH, ये जगह जगह पे आपको टेपिंग मिली है। इस वजह से जो है कोई नया मैकेनिक या कोई एक्सपीरियंस मैकेनिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो है मैकेनिक को आसानी जाए कोई भी वायरिंग खोलने के लिए। इस इंजन की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें इंडिविजुअल हेड दिए गए हैं, हर एक पिस्टन के ऊपर आपको अलग अलग हेड देखने को मिल जाएंगे। मान लो ये वाला पिस्टन कभी सीज हो जाता है तो सिर्फ आपको ये वाला हेड खोलना पड़ेगा और यही वाला पिस्टन निकालना पड़ेगा जिससे कि आपको आसानी होगी। यही वाली हर एक की जो ये है पिस्टन, सबकी गैस्केट अलग अलग दी गई है। इस गाड़ी में बहुत बहुत अच्छा इंसुलेशन दिया है। इस ये जो इंसुलेशन दिख रहा है ना आपको, ये साउंड एब्जॉर्बिंग इंसुलेशन है।
कैसा है इंजन की अगर नॉइस कैबिन तक आ रही होंगी तो उसको भी ये बहुत एम्पलीफाई करके बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके आपको ड्राइवर तक के कानों में जाएगा, और साथ ही साथ इससे टेम्परेचर भी ब्लॉक होगा, जो इंजन का टेम्परेचर है वो कैबिन के अंदर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा कम्फर्ट का ध्यान रखा है महिंद्रा ने, ड्राइवर का कम्फर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये रहा इस गाड़ी का स्नॉर्कल, बहुत बहुत बड़ा स्नॉर्कल है, 7.2 लीटर का डीजल इंजन है तो उस हिसाब से बहुत बड़ा स्नॉर्कल है। और उसका पाइप भी आप देखो तो पाइप का डायमीटर भी बहुत बड़ा है। ये रहा इसका एयर फिल्टर, बहुत बड़ा एयर फिल्टर है, आपको कैबिन टिल्ट करना पड़ेगा तभी जाके आप इसका एयर फिल्टर एक्सेस कर सकते हो। और बहुत बढ़िया तरीके से जो है कैबिन में इंसुलेशन दिया गया है। इस गाड़ी में अगर आप मोड चेंज करते हो तो आपको 210 हॉर्स पावर पर चलेगा इंजन, और अगर आप हायर मोड पर जाते हो तो आपका फुल 280 हॉर्स पावर पर चलेगा। इसमें जो गाड़ी का गियर बॉक्स आ रहा है वो है इटॉन 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है लग के आ रहा है, और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो है 19.60%। ये जो गाड़ी है पर्टिकुलरली 14 चक्का है, इस वजह से इसमें ट्विन स्टेरेबल एक्सल आते हैं। ट्विन स्टेरेबल एक्सल होने के बाद इसमें बहुत अच्छे जो है टर्निंग रेडियस मिल जाती है, ठीक है। ये रहा इसका ब्रेक बूस्टर, और ये रहा इसका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, और ये रहे इसके पैराबोलिक पट्टे। बहुत बढ़िया तरीके से लीफ स्प्रिंग्स को प्रोवाइड किया गया, बहुत हेवी काम है, थिकनेस आप नोटिस करना बहुत ज़्यादा थिकनेस है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको रबर के गुटके मिले हैं, अगर गाड़ी कभी ज़्यादा डाउन चली गई तो ये थोड़ा सा इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा, चेसी को जो है ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। और ये गाड़ी की आपकी चेसी की थिकनेस नोटिस करना, 7 mm की थिकनेस है, साथ ही साथ जो है डबलिंग की गई है, यहाँ पे जो है डबल चेसिस लगाई गई है। साथ ही साथ जो है आपको जगह जगह पे जो है यूनिवर्सल जॉइंट देखने को मिल जाएंगे ताकि प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। और ये रही दो बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की, 24 वोल्ट का जो है करंट सप्लाई होता है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको बैटरी कट ऑफ स्विच मिल जाएगा। और ये रहा इसका रिले का स्विच, पार्किंग एंड हजार्ड का स्विच, और EMS और ECU का जो है 40 एम्पियर वाला रिले, ठीक। उसके नीचे में दो प्रेशर टंकी मिलती है आपको, और फिर उसके बाद आती है यहाँ पे एक और प्रेशर टंकी। और अभी मैं बात कर लूँ इसका मेन, सबसे ज़्यादा मेन जो है इसका लिफ्ट एक्सल, लिफ्ट एक्सल में बहुत ज़्यादा हीवी काम किया गया महिंद्रा की ओर से। इसका आप बलून देखना, बहुत अच्छी क्वालिटी में दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो है अलाइनमेंट कराना नहीं पड़ेगा, इसलिए जो इन्होंने कॉइल स्प्रिंग के साथ जो है शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। और ये जो है गैबरी के जो है ये दिया गया है शॉक एब्जॉर्बर्स, मतलब गाड़ी अगर टर्न ले रही है राइट वाला तो ये वाला टायर जो है वो भी राइट टर्न लेगा, और फिर बाद में अगर गाड़ी सीधी होती है तो ये वाला टायर भी सीधा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखना दो बलून दिए गए हैं कैबिन लिफ्ट ऊपर करने के लिए, ये जो है लिफ्ट एक्सल को ऊपर करने के लिए। जैसे ही आप लिफ्ट एक्सल के करीब आओगे तो आपको जगह जगह पे जोखे देखने को मिलेंगे, ये जो जोखे दिए गए हैं पहले सामने में, फिर उसके पीछे में, फिर लिफ्ट एक्सल के बीच में, और फिर लिफ्ट एक्सल के बाद में, फिर उसके बाद मेन एक्सल में भी आपको जोखा देखने को मिलेगा, वो भी डबल जोखा दिया गया रिवेट जॉइंट के साथ। आप देख रहे हो ये डबल जोखा दिया गया। और ये रहा इसका बेल क्रैंक वाला सस्पेंशन, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स के साथ बेल क्रैंक वाला जो है सस्पेंशन दिया गया है पीछे के टायरों में। और ये रहा स्टॉपर, अगर कभी गाड़ी पहाड़ पे अगर अटक जाती है तो ये स्टॉपर निकाल के आप गाड़ी के इस पे लगा सकते हो, और यहीं पे आपको जो है एक स्टेपनी मिल जाएगी, स्टेपनी को एक्सेस करने के लिए ये वाला स्लॉट दिया गया है, यहाँ से आप स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हो। सेम जो टायर है वही है, 295/90R20 का जो है टायर आता है, रेडियल टायर है, पूरी गाड़ी में रेडियल टायर का यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का टायर है। साथ ही साथ अभी आप देख रहे हो इसका पीछे का बम्पर, और ये रहा इसका LED टेल लैम्प, ये है इसका ब्रेक लाइट, और ये रहा इसका रिवर्स लाइट, और ये रहा इसका इंडिकेटर। यहीं पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पीछे में पार्किंग सेंसर आते हैं, 5 पार्किंग सेंसर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और ये रहा इसका मेटल का हेवी वाला बम्पर, चेसी की जो थिकनेस है ना वो बहुत ज़्यादा हेवी प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है, जितनी ज़्यादा अच्छी लेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा हेवी जो है चेसी को सपोर्ट मिलेगा, और उतना ज़्यादा जो है ये लोड कैरी कर सकेंगी। इस वजह से जो है इसकी जो लेंथ वो ज़्यादा रखी गई है, और साथ ही साथ इसकी जो फ्लेंज विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा रखी गई है। तो इस गाड़ी का वॉक अराउंड और डिटेल अभी भी बचा है, तो इसका जो है हम एक और पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, आप उसमें और इसकी डिटेल जान लेना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी 14 चक्का सेगमेंट का सबसे बेस्ट गाड़ी ढूंढ रहा है। अब तक का मेरा पर्सनल फेवरेट, मुझे 14 चक्का ये वाली गाड़ी अच्छी लगी है, महिंद्रा की ब्लेजो X42, क्योंकि इसमें इंजन की जो है वो बहुत बढ़िया सिस्टम दिया गया है, और साथ ही साथ कंफर्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और माइलेज में अगर इसका माइलेज क्लेम नहीं होता है कंपनी ने जो क्लेम किया है, तो आप इस गाड़ी को एनी टाइम रिटर्न कर सकते हो, महिंद्रा ने प्रॉमिस किया है, रिलायबिलिटी का भी प्रॉमिस किया गया है।
तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।